हेलो प्रोग्रामर्स, लेवल वन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो प्रेजेंट है हम लोग आपके सामने इस सीरीज का पहला सवाल लेके, जिसका नाम है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। इस सवाल में हम लोग को एक एरे दिया है ऑफ साइज एन का, और उसमें से हम लोग को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अगर वो एलिमेंट इस एरे में नहीं होता तो हमें माइनस वन रिटर्न करना है। और ध्यान रखना है कि इस सवाल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो ऑफ एन हो। तो बात करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की। तो सेकंड लार्जेस्ट नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पहले तो हम लोग एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लें, देन उसको हम लोग साइड करके बची हुई एरे में से उसका लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लें, तो जो बचेगा वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। आप एकदम सही सोच रहे हैं, पर इसमें हम लोग को दो लूप लगाने पड़ जाएंगे। पहला लूप तो हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करने में, और नेक्स्ट लूप हमारा लग जाएगा बची हुई एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करने के लिए। इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लूप तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी एरे पर हम लोग को ट्रैवर्स करना है। और हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं साथ में, जिसमें पहले का नाम होगा लार्जेस्ट और दूसरे का नाम होगा सेकेंड लार्जेस्ट। दोनों वेरिएबल में हम लोग इंटीजर डॉट मिन वैल्यू प्रॉपर्टी के साथ इंटीजर की मिनिमम वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कंडीशन लगा के, अगर ए आर आर आई मतलब कि एरे का कोई भी एलिमेंट अगर लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा होता है, तो हम लोग लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में भेज देंगे और उस बड़े वाले एलिमेंट की वैल्यू लार्जेस्ट में स्टोर कर देंगे। अगर वो एरे का एलिमेंट अगर लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे कहीं वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा तो नहीं, और साथ में हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि वो जो बड़ा एलिमेंट है वो लार्जेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग वो वाले एलिमेंट की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट में स्टोर करा देंगे, एंड देन हम लोग सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे।